आज का लेसन क्या है? आज है जी जनाब सिविल पीस बाय टिनियो एजबी, ठीक है। और दैट इज ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि टिनिया एजबी ने लिखी है। और आपको पता है कि टिनिया एजबी जो है वो बेसिकली एफ्रो सेंट एक ऐसा नाइजेरियन था जिसने नाइजीरिया के कल्चर के बारे में, यानी कि दुनिया को एफ्रो सेंट्रिक व्यू पॉइंट के बारे में बताया था। उसने बताया कि लाइक नाइजीरिया का अपना भी कोई कल्चर है। और उसने मोस्टली जो जितनी भी स्टोरीज लिखी वो आइबो सोसाइटी के ऊपर लिखी, ठीक है। उसने बताया कि किस तरीके से आइबो सोसाइटी के जो पीपल हैं वो भी बहुत मोटिवेटेड और अच्छे किस्म के लोग हैं, और किस तरीके से उनका जो है आफ्टर वॉर उनका एक उनका नुकसान हुआ एक्चुअली। तो नॉर्मली इसने जितने भी चिनिया एचीबी ने जितने भी नॉवेल्स लिखे उसमें या शॉर्ट स्टोरीज लिखी, इसने शॉर्ट स्टोरी राइटर भी था तो ऑब्वियसली नाइजेरियन भी था, तो इसने मोस्टली जो है नाइजेरिया के कल्चर में बहुत ज्यादा स्टोरीज लिखी। अच्छा जी, यहाँ पे हम आगे चलते हैं। सबसे पहले ये जो कहानी है ये ईस्टर्न नाइजेरिया आफ्टर द एंड ऑफ सिविल वॉर, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइटल ही जस्टिफाई कर रहा है कि एक्चुअली दैट इज फॉर सम सिविल पीस, यानी कि एक सिविल लाइफ है जिसमें शायद एक या तो पीस की तलाश है या पीस हो चुका है। तो एक्चुअली दैट इज द पोस्ट वॉर सिनेरियो आफ्टर सिविल वॉर, एंड ऑफ द सिविल वॉर जो कि नाइजीरिया में चली 3 साल तक, 1967 से लेके 1970 तक जो सिविल वॉर यहाँ पे चली, ये एक्चुअली उसके बाद की कहानी है। हुआ ये था कि नाइजीरिया में उस वक्त बहुत ज्यादा डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी, लेकिन आफ्टर द वॉर जो वहां के अंदर जो एक पीस कायम हुआ एक्चुअली दैट इज बेसिकली द सिविल पीस। इसके अंदर जो कहानी है बेसिकली वो बेस करती है जोनाथन एबो पे, ठीक है, मारिया एबो पे, और फिर जो है एग्बू, सॉरी, और उसके बाद उनके तीन चार में से तीन बच्चे जो पीछे बचे थे उन पे ये डिपेंड करती है। जोनाथ जो है जोनाथन इटसेल्फ बेसिकली ही इज द स्लोगन ऑफ द पीस, ठीक है, एंड स्पेशली द स्लोगन ऑफ द पीस ऑफ द माइंड। Now let's see what the title justified, और इस बार ये टाइटल हमें क्या बताता है कि वो किस किस्म के जो है वो पीस की यहाँ पे बात करता है। सिविल पीस इज द स्टोरी अबाउट जोनाथन एगो एंड हिज फैमिली सर्वाइविंग द नाइजीरियन सिविल वॉर, ठीक है। एक्चुअली कहानी किसकी है? जोनाथन एगो की और उसकी फैमिली जो कि सरवाइव कर जाती है एक नाइजीरियन सिविल वॉर में, ठीक है, ये बच जाती है, ये वो फैमिली होती है जो पीछे बच जाती है। But is faced with many challenges after the war. लेकिन बहुत सारे challenges का वो जो है उसको face करती है after the war. And no matter what he thinks, but he thanks God for everything he has. और सबसे बड़ी चीज़ ये इतने challenges को face करने के बावजूद उसकी एक optimistic सोच हमारे सामने आती है और वो कहता है कि भाई जो भी चीज़ है, जो भी बुरा हुआ, लेकिन वो हमेशा जो है वो शुक्र करता है अल्लाह का फॉर एवरीथिंग हैज जो कि उसके पास है। और उसके पास जो सबसे कीमती चीज पीछे बची थी वो उसका घर था और उसकी फैमिली थी, इसके अलावा उसकी कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो उसके लिए इम्पोर्टेंट थी। यहाँ पे जो मेन थीम है वो क्या है? टू थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग दैट ही हैज डन फॉर यू एंड हैव फेथ इन हिम, ठीक है। और मेन थीम इसकी ये है कि टू थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग, गॉड ने जो हमारे साथ किया, अल्लाह ने जो हमें दिया, और हमें उसके ऊपर एक ईमान होना चाहिए, उसका शुक्र और फिर उस पर ईमान। द थीम कनेक्ट टू द टाइटल बिकॉज इवन आफ्टर द वॉर इज ओवर मैनी बैड थिंग हैपन, ठीक है। एक्चुअली जो थीम है वो कनेक्ट करती है टू द टाइटल, क्योंकि थीम बेसिकली क्या है, सिविल पीस की बात हो रही है। आफ्टर वॉर जो एक सिविल पीस क्रिएट हुआ उस नाइजीरिया के अंदर उसकी बात हो रही है, और वो जस्टिफाई करती है उस टाइटल को क्योंकि इवन आफ्टर द वॉर, वॉर के बाद भी
is over, many bad things happened to the Jonathan. वॉर के बाद यानी कि सिविल पीस कायम होने के बाद भी जोनाथन के साथ बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो फिर भी पीस में था क्योंकि he still is at peace with God. देखिए ये उस दौर में कहानी लिखी गई जब वॉर के बाद जो है लोग एक निहिलिस्टिक स्टेट में चले गए और उनका गॉड के ऊपर से फेथ खत्म हो गया क्योंकि उनका सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था. लेकिन ये एक बड़ी पैसिमिस्टिक सी एक कहानी लिखी गई इससे पहले जो हमने कहानी पढ़ी, और वो थी अ वेल क्लीन प्लेस वाली जो हमने पढ़ी. तो उसमें हेमिंग्वे की एक टोटली पैसिमिस्टिक सोच थी कि भाई शायद दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो कि साफ सुथरी हो. लेकिन यहाँ पे जो है उसने एक टोटली ऑप्टिमिस्टिक एक फेथ ऑन गॉड की बात की है कि इफ यू हैव फेथ ऑन गॉड यू हैव peace in your heart basically. ठीक है, तो that is the opposite of the Hemingway story. The author shows that Jonathan values his family and most and does everything to help them. और Jonathan ने ये और यहाँ पे author ने क्या show किया कि Jonathan किसको value देता है, उसके लिए सबसे important चीज जो है वो उसकी family है, और जो most and does the most and does everything to help them, और सबसे ज्यादा जो उसने अगर किसी के लिए किया है तो वो उसकी फैमिली है. ठीक है, उसके लिए अगर कोई चीज बॉदर करती है तो वो उसकी फैमिली है. द ऑथर शोज मेनी चैलेंजेस एंड हाउ जोनाथन पुशेस थ्रू देम. ठीक है, और यहाँ पे ऑथर ने दिखाया हमें कि वो किस तरीके से जोनाथन कितने चैलेंजेस फेस करता है और वो चैलेंजेस कितने उसको पुश करते हैं थ्रू देम. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द थीफ ट्राइज टू टेक हिज मनी, कि जब वो जो है उसका पैसा लेने की कोशिश करते हैं तो तब भी वो जो है झूठ नहीं बोलता और वो अपना सारा पैसा दे देता क्योंकि उसके लिए उसकी फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. द थीम द नेक्स्ट टू आवर लाइफ बिकॉज वी नीड टू स्टॉप लुकिंग एट द बैड एंड लुक एट द गुड एंड व्हाट वी डू हैव. और थीम किससे कनेक्ट करती है टू आवर लाइफ, के हमें बुरे को सोचना बंद करना है. ठीक है, बुरे को देखना बंद करना है और हमें अपने जिंदगी में अच्छी चीजों को देखना है. व्हाट वी हैव वी डू हैव, और हम क्या कर सकते हैं. अब मैं आपको छोटी सी इसकी समरी जो है वो दिखाती हूँ कि बेसिकली इसकी